हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th और 12th के जो रीट और रिटर्न के फॉर्म भरे जाने वाले हैं वो अब शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आप यहां से अपना रीट और रिटर्न और रीबुक वाले फॉर्म भर सक पाओगे, वो कैसे भर पाओगे इसकी जानकारी हम पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। अब अपन चलते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। कन्वेस्ट फॉर्म पर जी डैशबोर्ड अपने सामने खुल के आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, यानी रीटोटलिंग, इस पर क्या कहें, रीटोटलिंग आंसर बुक एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप रीटोटल आंसर बुक इस पर आप क्लिक करेंगे। इसकी डेट हुआ वो 29 अप्रैल 2022 से चालू हुई थी और 13 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो 13 मई है वो आपकी लास्ट डेट है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन टाइप यानी आपको रिटोटलिंग करनी है या रीबुक आंसर बुक, यानी आपको आंसर बुक मंगवानी है। आप अपनी आंसर बुक मंगवाना चाहते हैं, आंसर बुक पर क्लिक करना हो या रिटोटलिंग करवानी है अपनी सब्जेक्टिव रिटोटलिंग पर क्लिक करेंगे। 10th की करनी है आप, 12th की वो अपने हिसाब से आप चॉइस करोगे। 10th और 12th मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया है। इस पर लिखा है एग्जाम टाइप यानी आप मेन एग्जाम, यानी मेन एग्जाम में आप इसमें लिखेंगे 2022। यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करोगे, जिस भी यहाँ पर आप कैप्चा फिल डालोगे नीचे, इसमें आपको जो भी कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा फिल कर देना है और सर्च बार पर क्लिक कर देना होगा। तो पहले अपन इसमें रोल नंबर टाइप करती हैं। अपना जो भी रोल नंबर वो रोल नंबर टाइप करें। और कैप्चा डालने के बाद में सर्च बार पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने सामने ये फॉर्म खुल के आ गया है। अब अपन को क्या करना होगा, अपनों जिस सब्जेक्ट की रिटोटलिंग करवानी है उस सब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा। आपको सभी सब्जेक्टों की रिटोटलिंग करवानी है तो सभी सब्जेक्टों का क्लिक करना होगा, और आपको एक ही करवानी है तो एक ही करनी होगी। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपनी एड्रेस जो आपका जो भी एड्रेस वगैरह वो आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, मोबाइल नंबर है, हाउस नंबर, कंट्री, सिटी, जो सब सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी रिटोटलिंग कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।